गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 4 मार्च और मैं अभी जा रहा हूँ सुभाष नगर। तो मैं सुभाष नगर इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो उसे एक बाइक लेनी है, तो वही जा रहे हैं बाइक लेने के लिए। अब नई बाइक लेगी या सेकेंड हैंड वो वहाँ जाके पता चलेगी। तो दिल्ली में काफ़ी सारे बाइक्स मार्केट है, तो वैसे तो हर जगह नई बाइक की शोरूम है, लेकिन पुराने बाइक की जो है काफ़ी सारी मार्केट है। तो उसमें मैं सुभाष नगर जा रहा हूँ, तो उनको वहाँ से बाइक लेनी है। अब वो नया लेता है या सेकेंड हैंड वहाँ जाके पता चलेगा। तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कौन से फ्रेंड को बाइक चाहिए वो भी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें वो फ्रेंड है हमारा, विकास नाम है, तो उसे ही बाइक चाहिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो झारखंड की वीडियो थी देवघर की, तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि विकास कौन है। उसी को बाइक चाहिए, तो वहीं जा रहे हैं। और अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, जा रहा हूँ अभी मेट्रो लेनी है साकेत से, तो मैं अभी आज मैं मेट्रो से जा रहा हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ। पहुंच गया हूं INA मेट्रो स्टेशन, यहां से मुझे राजौरी गार्ड के लिए मेट्रो लेनी है और स्टेशन कुछ इस प्रकार है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूं और अभी नीचे चलता हूं, बाकी वो तीनों मेरा नीचे वेट कर रहा है, तो अभी चलते हैं नीचे। तो ये है नितेश बाबू, यहां नितेश मिला है मुझे और अभी दो नीचे मिलेंगे। देखता हूं कितना कटा है, 40 रुपये कटे हैं। कितना कटा? 30 मेरा 40 रुपये कटा है। 54 रुपये था। तो ये है विकास जिसे बाइक लेनी है, बोल देंगे और ये प्रशांत है, ये ब्रोकर, इनके बारे में पता होगा आपको, आपने पहले वीडियो में देखा होगा और इसके बारे में तो आपको पता ही है, मिला था हमें। तो अभी चलते हैं, इसको बाइक लेनी है, तो अभी बाइक मार्केट चलते हैं। Thank you.
यही यूनिक वाले में जाना है क्या? अच्छा नया लेनी है तो क्या कहते हैं मामी, ये पुराने वाले में तो खर्च मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, ये सब करते करते तो इससे अच्छा है कि नया लेंगे ये नहीं पे। अच्छा क्या मतलब कि ये सब ले तो और खर्च करते करते पता लगेगा कि मेरा इतना किसी में। इसका मूड चेंज हो रहा है क्या रे? तेरा मूड चेंज हो रहा है? जब ऐसा होगा तो ये कह रहा है कि अब जो है ना मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं नया भी देख लेंगे अगर इसमें अच्छा नहीं मिलता तो अभी तुमको कौन सा चाहिए? न्यू हो, नए के चक्कर मत पड़ो भैया, आप पुराने आराम से फिट लो। तो अभी विकास जो है बाइक चूज ही कर रहा है, सेकेंड हैंड चाहिए या नया चाहिए? चलिए देखते हैं उसे कौन सा पसंद आता है। तो बाइक फाइनल हो चुकी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है और इनकी बाइक नीचे खड़ी है। ये फर्स्ट वाला हीरो स्प्लेंडर है 2016 मॉडल, काफ़ी अच्छी बाइक है। तुमको मैं से थोड़ी जब बाइक लेके जाने यहाँ से आप स्कूटी भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे स्कूटी है और कोई भी गाड़ी यहाँ से आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। तो बाइक ले लिया है उन्होंने, अभी बाइक दिखाता हूँ आपको। ये बाइक है विकास की और ये रहा विकास। कैसा लग रहा है विकास? मास्क खोलो, मास्क हटो तब तो देखे तुम्हारा चेहरा देखें। हाँ तेरी खुशी देखेंगे ना। अच्छा अच्छा बैठो बाइक पे। तो ये ब्लॉग में दो दिन के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था और शाम भी हो गए थे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो। तो बाइक उन्होंने ले लिया, बाकी अब मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ कि बाइक कितने की पड़ी और अगर आपको बाइक लेनी है तो आप कम सबसे कम में कितने की बाइक वहाँ पर मिल जाएगी और हाइएस्ट कहाँ तक बाइक मिल जाएगी। बाइक इन्होंने गुरु नानक बाइक जोन जो सुभाष नगर में है वहाँ से लिया था। यहाँ आपको 2 लाख तक की बाइक मिल जाएगी और स्टार्टिंग प्राइस जो है बाइक की वो लगभग 15,000 है, आपको 15,000 में भी मिल जाएगी, आप ले सकते हो। कंडीशन वाली बाइक होगी, अच्छी बाइक होगी तो आप 15,000 तक में भी ले सकते हो, इतना चीपेस्ट प्राइस है। वैसे आप बहुत सारे मार्केट है, हर जगह अलग अलग रेट होता है और प्राइस में थोड़ा नेगोशिएट होता है, ऊपर नीचे होता है। तो आप देख लेना आपको जो भी बाइक चाहिए आप प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हो जो आपको ठीक लगे उस बाइक के मॉडल के हिसाब से। और विकास ने जो बाइक लिया था वो बाइक जो है लगभग 34,000 पर आया, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस है, 2016 मॉडल है। तो इन्होंने 34,000 में लिया बाइक और वैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक मिलेगी, उसकी आपको सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके करके देगा वो, आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो अगर आपको सेकेंड हैंड बाइक चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और तो मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।